आज के हम इस वीडियो क्लास में पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें ऑस्मोसिस में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? ऑस्मोसिस। तो देखते हैं ऑस्मोसिस। हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट है और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 760 माना जाता है। तो इसका वेपर प्रेशर बच्चों कितना हो जाएगा? 760। कितना? 760। तो इसका वेपर प्रेशर है 760। अब हमने क्या किया, इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। इसके अंदर हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया तो बन गया सॉल्यूशन। अब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो ये वाला 760 से कम होगा। मान लिया कि 740 है। 740। तो अब क्या होगा, ये प्रेशर के डिफरेंस को इक्वलाइज करने के लिए सॉल्वेंट SPM के थ्रू इस सॉल्यूशन चैम्बर में जाएगा और तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का प्रेशर इक्वलाइज नहीं होगा। ये हमने ऑस्मोसिस वेपर प्रेशर के टर्म्स में पढ़ी है। अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिला हुआ है तो ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है और इसमें है ही नहीं, इसलिए लेस कंसंट्रेटेड है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट लेस कंसंट्रेटेड से मोर कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो हमने यहाँ पर ऑस्मोसिस को दो टर्म्स में सीखा, एक प्रेशर के टर्म्स में और एक कंसंट्रेशन के टर्म्स में। तो बच्चों डेफिनेशन क्या हुई, इसकी डेफिनेशन हुई स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो इसका कंसंट्रेशन कम है और इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा और इस मूवमेंट को हम कहेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज नोन एज एक्सोऑस्मोसिस। इन एक्सोऑस्मोसिस व्हेन ए सब्सटेंस प्लेस्ड इन हायर कंसंट्रेटेड या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इट विल श्रिंक। तो अगर किसी सब्सटेंस को हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखते हैं और वो श्रिंक हो जाए तो उसको एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। एक्सोऑस्मोसिस का एग्जांपल है, एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। एंडोऑस्मोसिस व्हेन ए सब्सटेंस प्लेस्ड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, व्हेन ए सब्सटेंस प्लेस्ड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन इट विल स्वेल बिकॉज सॉल्वेंट एंटर इनटू सब्सटेंस इज कॉल्ड एंडोस्मोसिस। समरी में, अगर कोई सब्सटेंस पिचक रहा है, सुकड़ रहा है तो उसको एक्सोस्मोसिस कहेंगे, और अगर कोई सब्सटेंस फूल रहा है, स्वेल कर रहा है तो उसको एंडोस्मोसिस कहेंगे। हम देखते हैं एक्सोस्मोसिस का एग्जाम्पल। एक्सोस्मोसिस के एग्जाम्पल को समझने के लिए हमने एक ग्लास का कंटेनर लिया और उस ग्लास के कंटेनर में सुगर सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड फिलअप कर दिया और उसके अंदर एक ग्रेप्स डाल दिया। क्योंकि ग्रेप्स डाइल्यूट था तो ग्रेप्स के अंदर से वाटर बाहर निकल गया और ग्रेप्स की किशमिश बन गई। तो अगर अंगूर किशमिश में बदल जाए तो हम इसको एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। कोई चीज पिचक जाए, तो कोई बच्चा अगर पतला होता जा रहा है तो उसके अंदर क्या चल रही है, उसके अंदर चल रही है एक्सोऑस्मोसिस। और एक्सोऑस्मोसिस में क्या होगा कि सब्सटेंस को हम हायर कंसंट्रेशन हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन में पुट अप करेंगे। हाइपरटॉनिक का मतलब होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब चलते हैं एंडोऑस्मोसिस में। एंडोऑस्मोसिस में अगर हम सॉल्वेंट सब्सटेंस को हाइपोटॉनिक में रख दें, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन में रख दें, तो जो सॉल्वेंट है वो सब्सटेंस के अंदर एंटर कर जाएगा और सब्सटेंस स्वेल हो जाएगा या फिर फूल जाएगा। तो हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में वापस से हमने वाटर फिल कर लिया और उसमें ग्रेप्स रख दिया।
तो काफी देर तक जब ग्रेप्स इसमें रखा रहेगा तो वाटर उसके अंदर एंटर करेगा और बाद में ग्रेप्स फूट जाएगा। या फिर हमने इसमें किशमिश डाल दी, किशमिश डालने से किशमिश के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड शुगर है इसलिए वाटर अंदर एंटर करेगा और फिर किशमिश स्वेल कर जाएगी, फूल जाएगी, लेकिन अंगूर नहीं बन पाएगी। तो अब हमने यहाँ पर दो चीजें सीखी, ऑस्मोसिस क्या होती है और ऑस्मोसिस के दो टाइप होते हैं, एक्सो और एंडो। एक्सो में कोई भी सब्सटेंस श्रिंक कर जाएगा, पिचक जाएगा, जबकि एंडो ऑस्मोसिस में कोई भी सब्सटेंस स्वेल कर जाएगा। हम देखते हैं ऑस्मोसिस के यूज। ऑस्मोसिस का फर्स्ट यूज है टू रिमूव थ्रॉट लारेंज। थ्रॉट लारेंज का मतलब होता है गले की खराश को दूर करना। आजकल गले में खराश होते ही टेंशन होने लगती है, तो आप कैसे दूर करेंगे खराश को? इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा गर्म पानी लेते हैं और उसमें नमक मिला लेते हैं और फिर उस गर्म सलाइन वाटर को गले में भरकर जब हम गुड 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 करते हैं तो एक्सो ऑस्मोसिस होती है। और एक्सो ऑस्मोसिस से क्या होता है कि ये हमारे गले की सेल्स है तो हमारे गले के अंदर सेल्स फूल जाती है और इन फूली हुई सेल्स में वाटर एक्युमुलेट हो जाता है और जब ये सेल्स आपस में टकराती हैं तो हमें खिचखिच महसूस होती है। अब हमने क्या किया, अपने गले के अंदर वार्म वाटर नमक के साथ में फिलअप कर लिया। तो जब हम इसको यहाँ थोड़ी देर रख कर गरारे करेंगे या गोट गोट करेंगे तो अंदर से पानी बाहर आ जाएगा और ये जो सेल्स फूल गई थी वो पिचक जाएगी, पिचक जाएंगी तो गला साफ हो जाएगा। इसलिए जो टीचिंग करते हैं वो बार बार चाय पीते हैं क्योंकि चाय गर्म होती है, कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जिससे गले की सेल्स पिचक जाती है और गला साफ हो जाता है। इसका दूसरा यूज है सिलिका गार्डन। सिलिका गार्डन हम Na2SO3SiO3 की हेल्प से बनाते हैं। इसका थर्ड एग्जांपल है वाटर राइज इन प्लांट थ्रू यहां होना चाहिए था जाइलम। पानी तो जाइलम के थ्रू ही करता है, तो हम चलते हैं और देखते हैं, पहले इसको करते हैं सही। तो हमने फ्लोएम की जगह कर दिया जाइलम। तो जो वाटर है वो प्लांट में जाइलम के थ्रू ऊपर जाता है। तो जब पेड़ की जो रूट्स होती है उसमें सॉल्ट कम होते हैं, उसमें सॉल्ट कम होते हैं और जो प्लांट की लीफ होती है उसमें सॉल्ट ज्यादा होते हैं, इसलिए प्लांट की लीफ हुई कॉन्सेंट्रेटेड और रूट्स हुई डाइल्यूट। तो डाइल्यूट से वाटर कॉन्सेंट्रेटेड लीफ की तरफ जाता है और इस तरह वाटर प्लांट में राइज अप कर जाता है। इसको हम बॉटनी में इसको एसेंट एप सॉप थ्योरी सैप थ्योरी कहते हैं। जब हम मैंगो को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में रख देते हैं तो ये पिचक जाते हैं। अगर हम मुरझाए हुए फ्लावर्स को पानी फ्रेश वाटर में डाल दें तो एंडो ऑस्मोसिस से प्लांट या फ्लावर फिर से रिवाइव हो जाते। अगर हम एक कैरेट को या गाजर को खुले उसमें छोड़ दें तो उसमें से क्या है पानी निकल जाता है और पानी निकल जाता है तो उसमें रिंकल आ जाती है, बिकम लिम्स का मतलब पतली मुरझाई हुई हो जाती है। तो अगर हम उसको फिर से उसके ऊपर पानी डाल दें तो वो फिर से अपनी सेब को रिवाइव कर लेता है और सब्जी वाला इसीलिए बार बार सब्जी के ऊपर पानी डालता रहता है। मीट को प्रिजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मीट को प्रिजर्व करने के लिए हम उसके ऊपर नमक सॉल्टिंग डाल देते हैं, ठीक है ना, और फ्रूट बाय एडिंग शुगर प्रोटेक्ट, और अचार को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसमें चीनी मिला देते हैं, या नमकीन अचार को प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसमें ऑयल डाल देते हैं क्योंकि ऑयल कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस उसके अंदर पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट करते ही उसकी प्लाज्मोलिसिस हो जाती है और वो बैक्टीरिया मर जाता है। तो हम पढ़ते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने ऑस्मोटिक प्रेशर अभी थोड़ी देर पहले भी समझा था, वापिस एक बार और समझाता हूं।
तो देखो ये प्योर वाटर है और प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 760 mmHg होता है। मान लिया हमने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 740 है, इसलिए सॉल्वेंट प्योर 760 की तरफ से 740 की तरफ जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस कितना है, इन दोनों में डिफरेंस है 20 mmHg का, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 20 mmHg हो जाएगा। अगर हमको ये ऑस्मोसिस यहाँ पर रोकनी है तो हम यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे और वो एक्सटर्नल प्रेशर कितना होगा 20 mmHg का। जैसे ही 20 mmHg हो जाएगा ऑस्मोसिस स्टॉप कर जाएगी। लेकिन बच्चों अगर हमने यहाँ पर ये एक्सटर्नल प्रेशर 20 से ज्यादा कर दिया, सपोज कर लो 30 कर दिया, तो अब यहाँ हो जाएगा 740 प्लस 30 770 और इधर 760। तो अब सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट की तरफ जाना शुरू कर देगा, जिसे हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं या शॉर्ट में RO, जिसको हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। अब आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के दो तरीके, एक एक्सपेरिमेंटल और एक थियोरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल तो हम इसको निकालते हैं बार्कले हार्टले मेथड से और थियोरेटिकल निकालते हैं वॉन्ट ऑफ फॉर्मूले से। तो हम देखते हैं वॉन्ट ऑफ फॉर्मूला क्या है। वॉन्ट ऑफ फॉर्मूला हमने 11th में आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है और आइडियल गैस इक्वेशन में पहला क्या था, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, जो बॉयल्स ने दिया था। सेकेंड रूल, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जिसको चार्ल्स ने दिया था, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स या एवोगाड्रो ने दिया था। वॉन्डॉर्फ ने इन तीनों इक्वेशंस को यूज किया और अपना फॉर्मूला बना दिया, जिसको इसने कहा वॉन्डॉर्फ फॉर्मूला। फिर चेंज क्या किया, इसने सिर्फ इस पी की जगह पर पाई लगा दिया और गैस कांस्टेंट आर की जगह सॉल्यूशन कांस्टेंट एस यूज कर। तो आप देख सकते हैं हमारा फॉर्मूला तैयार है, ठीक है ना। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, हमने इसमें गैस कांस्टेंट रख दिया और एन की जगह जब हमने इसमें डब्ल्यू बाई एम, डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्यूट है और एम उसका मोलर मास है, एस यहां पर सेल सॉल्यूशन कांस्टेंट है, टी फॉर टेम्परेचर। ओके, अब अगर हम इस वॉल्यूम को इधर ले जाएं तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला ये बन जाएगा और वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम डेंसिटी के इक्वल होता है। तो हमारा नया फॉर्मूला आ गया PdRT इज इक्वल टू m। तो अगर डेंसिटी के टर्म्स में न्यूमेरिकल आए तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और डेंसिटी को अगर हम उसके मोलर मास से डिवाइड कर दें तो मोलैरिटी आ जाती है और मोलैरिटी को इस फॉर्मूले में हम C से दिखाते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, P इज इक्वल टू CRT। तो हमने क्या किया, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ को यहाँ रख दिया, तो PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स इनटू टेम्परेचर आ गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हमने क्या किया, इसमें गैस कांस्टेंट या सॉल्यूशन कांस्टेंट आर पुट कर दिया। अब हमने क्या किया, इस वॉल्यूम को मोल्स के नीचे ले गए, तो मोल्स बाय वॉल्यूम इक्वल टू सी मोलैरिटी होती है। क्या होती है, सी मोलैरिटी। इस क्वेश्चन का एनसीईआरटी में काफी यूज होता है। अगर सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है तो हम इसमें IB यूज करेंगे और ये कॉम्पिटिटिव में ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है ना। तो मैं इस फॉर्मूले को दूसरा बना देता हूं नेक्स्ट। तो ये वाला पार्ट हम तभी यूज करेंगे जब सॉल्यूट डिसोसिएट हो। अब हम दूसरी साइड जाते हैं, इस साइड में PbNRT की जगह हमने NV यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स है और नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमने W वेट ऑफ सॉल्यूट रख दिया और वॉल्यूम की जगह हमने मोलर मास की जगह मोलर M रख दिया और B को नीचे रख दिया। अगर हम वेट और वॉल्यूम को डिवाइड करें तो हमें डेंसिटी मिल जाएगी। तो हमने यहाँ क्या किया, डेंसिटी पुट कर दी। तो हमारा ये फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। अब ये फाइनल फॉर्मूला है, तो या तो हम इस फॉर्मूले का सबसे ज्यादा यूज करते हैं या फिर इस फॉर्मूले का, और एनसीईआरटी में ज्यादातर क्वेश्चनों में इस फॉर्मूले का यूज हो।
अब जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर के कोएफिशिएंट करेंगे तो क्या ध्यान रखेंगे, जो आर है आर की यूनिट एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल होती है, या फिर हम एटीएम की जगह पर और बार भी ले सकते। जब बार लेते हैं तो 831 आ जाती। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि प्रेशर एटमॉस्फेयर में ही लेना है और वॉल्यूम लीटर में लेना है। तो वॉल्यूम में आप कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि वॉल्यूम 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है और 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 ml होता है और 1000 ml ही इक्वल होता है सीसी के। सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर और मीटर क्यूब में 10^-3 मीटर क्यूब होता है SI यूनिट। ऐसे ही प्रेशर की यूनिट को हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर प्रेशर एटीएम या बार में गिवन नहीं है तो पहले हम उसको एटीएम या बार में कन्वर्ट करेंगे। 1 ATM इक्वल टू 1 bar होता है या 760 सेंटीमीटर या फिर 760 mmHg या फिर 760 torr, और पास्कल में या SI यूनिट में इसकी वैल्यू 10^5 होती। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10^5 पास्कल या 1 × 10^5 पास्कल। ठीक है ना, तो हम शुरू करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ न्यूमेरिकल। इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल जो मोस्टली 12th क्लास में आता है या कॉम्पिटिटिव में भी आता है कि बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल का मतलब होता है पॉलीमर, का मतलब होता है पॉलीमर, कि पॉलीमर का हम मोलर मास किस मेथड से निकालते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के हमारे यहाँ 4 मेथड है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ही निकालते हैं, इसके 2 रीजन। पहला रीजन, बाकी तीनों मेथड में, वेपर प्रेशर में, बॉइलिंग पॉइंट में और फ्रीजिंग पॉइंट में, या तो हमें गर्म करना पड़ेगा या फिर कूल करना पड़ेगा। दोनों ही केसेस में पॉलीमर या तो एसोसिएटेड हो जाएगा या डिसोसिएटेड हो जाएगा, जिससे उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। दूसरी बात, अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन पॉलीमर का लेते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है और बाकी प्रॉपर्टीज इफेक्ट नहीं होती है या बहुत माइन्यूट इफेक्ट होती है जिसको हम नोटिस नहीं कर पाते। इसलिए पॉलीमर और बायोमॉलिक्यूल का मोलर मास ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से ही निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि इस मेथड में पॉलीमर ना तो टूटता है और ना ही एसोसिएटेड। सेकंड यूज, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज हम डीसैलिनाइजेशन ऑफ सी वाटर से करते हैं। तो जो गल्फ कंट्रीज होती हैं उसमें ड्रिंकिंग वाटर को प्रिपेयर करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। अब ये है क्या, रिवर्स ऑस्मोसिस में हम उसके ऑस्मोसिस के डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। मतलब ये बायोलॉजी के हिसाब से एक्टिव ऑस्मोसिस हो जाती है। और कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा फ्रेश वाटर है और फ्रेश वाटर का वेपर प्रेशर 760 होता है, जबकि अगर इसमें सॉल्ट या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, जो मैंने इनिशियली भी बताया था, हमने सपोज कर लिया 740। अब नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली ये फ्रेश वाटर इस सॉल्ट वाटर की तरफ जाएगा, पर हमको तो सी वाटर को प्योरीफाई करना है। अब ये सॉल्वेंट इधर क्यों जा रहा है, क्योंकि इसका प्रेशर कम है। अगर हम इसका प्रेशर ज्यादा कर सकते हैं तो ये इधर जाने लगे। तो हमने क्या किया, इसमें एक पिस्टन इंसर्ट किया और उस पिस्टन से प्रेशर बढ़ाकर 740 से बढ़ाकर 760 से ज्यादा कर दिया। जैसे ही प्रेस का प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर 760 से ज्यादा होगा, वाटर अब इस साइड से इधर जाने लगेगा और यहां से हमें प्योर वाटर मिलेगा, जिसको हम RO टेक्निक को आजकल घर में यूज करते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को हम एक्टिव ऑस्मोसिस कहते हैं, क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से सॉल्ट वाटर या सी वाटर के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, जिससे इसका प्रेशर फ्रेश वाटर के प्रेशर से ज्यादा हो जाता है और सॉल्वेंट रिवर्स डायरेक्शन में जाने।
यहाँ जो हम SPM लगाते हैं वो आर्टिफिशियल होती है, और इस आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को या तो हम सेलुलोज एसिटेट से बनाते हैं या फिर पोटेशियम फेरोसाइनाइड से बनाते हैं। ये इसका दूसरा यूज है और ये काफी कॉमन है 12th क्लास के। हम नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसको कहते हैं अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए तो उनमें ऑस्मोसिस बंद हो जाएगी, और ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर सो ऑस्मोसिस नॉट टेक प्लेस इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए हमें फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इसका न्यूमेरिकल निकालना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कैसे निकालते हैं इसका न्यूमेरिकल। तो हम देख सकते हैं ये फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का, और ये सेकंड फॉर्मूले सेकंड सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, ठीक है ना, और आरटी भी इक्वल है, इसलिए पाई वन इक्वल होगा एन वन के या एक्स वन इक्वल होगा इसके। तो आइसोटोनिक के लिए आप देख सकते हैं प्रेशर, इनके प्रेशर इक्वल होने चाहिए, मतलब पाई इक्वल होना चाहिए, और पाई इक्वल होने के लिए कॉन्सेंट्रेशन बराबर होने चाहिए। तो हमने दो फॉर्मूले लिख लिए, ठीक है ना। अब अगर पाई वन पाई टू आर टी कॉन्स्टेंट है तो ऑलरेडी हमने हटा दिया, तो फॉर्मूला बन गया एन वन एन टू और बी टू बी वन। अगर वॉल्यूम भी सेम है तो हम वॉल्यूम भी हटा देंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा एन वन एन टू, फॉर्मूला मिल जाएगा एन वन एन टू, और एन वन एन टू को हम खोल देंगे तो हमें फॉर्मूला मिलेगा डब्लू वन एम वन डब्लू टू एम टू। ओके, तो फाइनली हमें आइसोटोनिक के केस में फॉर्मूला ये मिल गया लोअर क्लास के क्वेश्चन को करने के लिए। अगर हम कॉम्पिटेटिव लेवल पे करना चाहते हैं तो हमें यहां पर फॉर्मूले में आई और यूज करना पड़े, आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर या नंबर ऑफ पार्टिकल। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। आइसोटोनिक का फर्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी इज आइसोटोनिक टू 0.91% NaCl। इसका मीन्स है कि अगर हम इतने परसेंट NaCl में आरबीसी को स्टोर करेंगे तो आरबीसी ना तो श्रिंक होगी और ना ही स्वेल होगी, लेकिन अगर हम 0.91% से ज्यादा में रख दें, जैसे 1 mm में रख दें, तो वो कंसेंट्रेटेड हो गया तो आरबीसी श्रिंक कर जाएगी, और अगर 0.91 से कम में रख दिया तो आरबीसी स्वेल होकर फट जाएगी, ठीक है। और इसकी जब हम मोलैरिटी निकालते हैं तो इतनी मोलैरिटी आती है जो हम कॉम्पिटिटिव में करते हैं, वहां पूछता है आरबीसी इज आइसोटोनिक टू, बच्चा इसको याद कर लेता है, तो फिर ये कैलकुलेट करनी पड़ती है या आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वो कहता है 6% यूरिया सॉल्यूशन 8% अननोन सॉल्यूशन के आइसोटोनिक है, तो उस अननोन का मोलर मास कैलकुलेट, ठीक है ना, अननोन का मोलर मास कैलकुलेट करो। आइसोटोनिक होते ही हमने ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, W1 की जगह यूरिया का 6% वेट रख दिया और M1 की जगह यूरिया का मोलर मास 60 रख दिया। दूसरा अननोन है जो 8% है उसकी जगह में 8 रख दिया, और M2 जब हमने निकाला तो M2 की वैल्यू 80 आ जाएगी, तो उस अननोन सॉल्यूट का मोलर मास 80 हो जाएगा। हम डिस्कस करते हैं एक नया क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 37% NaNO3 सॉल्यूशन इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 50% एट 300 केल्विन टेम्परेचर, और NaNO3 का मोलर मास 85 होता है। ओके, तो हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज किया PV इज इक्वल टू आई एन वी आर टी, यहां पर वॉन्ट ऑफ फैक्टर यूज होगा, पर आई निकालने के लिए हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्यों, हमारे पास आई है नहीं। तो अब हमने क्या किया, इस अल्फा में इंटू 100 किया तो परसेंट हटाया तो ये 0.5 हो गया, आई निकालना है 1 माइनस होगा। अब NaNO3 अगर डिकम्पोज होगा तो 2 पार्टिकल देगा, तो हमने N की जगह 2 रख दिया और आई की वैल्यू आ गई 1.5, ठीक है। अब हमने इस फॉर्मूले में आई की वैल्यू की जगह 1.5 रख दिया, W की जगह 37% रख दिया, R की वैल्यू पुट कर दी,
टेम्परेचर की जगह हमने 300 पुट कर दिया, मोलर मास 85 कर दिया, बच्चों वॉल्यूम लीटर में ही रखा जाएगा, ठीक है ना। तो हमने 1000 से 100 को डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमें प्रेशर कितना मिला, 1.61, ठीक है ना। 1.61 मैं इसको सही कर देता हूं तो आप इस ये MMHG में नहीं आएगा, ये प्रेशर एटमॉस्फेयर। तो पी आप खुद कैलकुलेट करें, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में देखें। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।